ओम विष्णुवे नमः। आप सभी का स्वागत है चैनल पे, आपके खुद के चैनल पे, जहाँ पे आप जानते हैं शुभ मुहूर्त, सारी एकादशियों के बारे में और सारे तीज त्यौहार के बारे में। एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस महीने आने वाली एकादशी तिथि है। जया एकादशी व्रत को भीम एकादशी या भूमि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण के में बताया गया है कि इस एकादशी में व्रत से अमोघ फल की प्राप्ति होती है और प्राणियों के सभी पाप धुल जाते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। माघ माह के इस एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान देना से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और वैकुंठ में उनका वास होता है। आइए आपको बताते हैं इस दिन व्रत और पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करने से पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। जाने अनजाने में किए गए सारे पापों से छुटकारा मिलता है। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वैकुंठ में वास होता है। चलिए आपको सुनाते हैं जया एकादशी की कहानी। इसे अपने मन को शांत करके अत्यधिक श्रद्धा के साथ इस कहानी का श्रवण करना चाहिए भक्तों को। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप सदेज, अखंडज, उद्दिज और यजायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न पालन करने वाले तथा उनका नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है, क्या कहानी है, ये आप विस्तार पूर्वक बताइए और इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनि से मुक्ति हो जाती है। पिशाच योनि वो योनि होती है जो अकाल मृत्यु व्यक्ति मरते हैं, वो पिशाच योनि में जाते हैं और कई सालों तक अत्यधिक दुख भोगते हैं, उस योनि को पिशाच योनि कहते हैं। आपको इसके बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, अब मैं तुमसे प्रथम पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र मालवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या मालवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मालवान पर कामवाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से मालवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित था और उन्होंने ठीक से गान नहीं किया। इनके इस प्रकार गान का ताल लय ठीक से न होने के कारण इंद्र ने
इनका प्रेम समझ लिया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यधिक दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उन्होंने अत्यधिक दुख मिला। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीतल थी, उससे उनके रोंगटे खड़े रहते, मारे ठंड के उनके दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमको यह अत्यधिक दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम रहेगा, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। संध्या काल के समय अत्यधिक दुखी होकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड पड़ रही थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पेड़ में लिपटे रहे। उस रात्रि को उन्हें निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले वाले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, बताओ तुम्हें पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया है, सो मुझे बताओ। माल्यवान ने कहा, हे देवादिदेव इंद्रदेव, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव भगवान के भक्त हम लोगों को वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। यहीं पे जया एकादशी व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप सभी के ऊपर, आप सभी के परिवार पे निरंतर ही विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। ओम विष्णवे नमः। हर हर महादेव।